बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करते हैं रिटेल ऋण से खुशहाली। नमस्कार संजय, कैसे हो? आजकल मुलाकात ही नहीं करते, बस शादी ब्याह के ऐसे फंक्शन में ही मुलाकात हो पाती है। क्या बताऊं, घर दफ्तर की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर हुआ क्या है? घर से दफ्तर आना जाना एक परेशानी बन गया है। लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है नहीं और हर दिन ऑटो टैक्सी में जाना तो पैसे की बर्बादी लगता है। यार, अब तो पेरिविजन में तेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई है, नई कार ही क्यों नहीं ले लेता? सारी झंझटों से मुक्ति। अरे, कार कहाँ से ले लूँ? 3-4 लाख की व्यवस्था करना मेरे बस की बात नहीं। अरे, व्यवस्था क्या करना, बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता? मैंने पिछले हफ्ते ही बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से लोन लिया है। लेकिन मैं तो किसी बैंक वाले को जानता नहीं हूँ, मेरा काम कैसे होगा? तू चिंता क्यों करता है, मैंने जिस ब्रांच से लोन लिया है तुझे भी वहीं से मिल जाएगा। इसमें जान पहचान की क्या जरूरत, ये स्कीम तो हम जैसे सभी लोगों के लिए है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर से बात कर लेता हूँ और तुम्हें सुविधा हो तो सोमवार को 11 बजे ब्रांच में ही मिलते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, सोमवार को 11 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में मिलते हैं। नमस्कार राठी जी, ये मेरे मित्र हैं संजय गुप्ता, एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, और ये हैं श्री राठी, इस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर। कहिए, आज कैसे आना हुआ? इन्हें नई कार लेनी है, क्या आप इन्हें कार लोन दे सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर देंगे। आपको नई कार के लिए 15 लाख रुपए तक और पुरानी कार खरीदना हो तो भी 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। लोन तो आप दे देंगे, किंतु मैं इसे चुकाऊंगा कैसे? सुना है ब्याज बहुत भारी पड़ता है और पता नहीं कौन कौन से पेपर्स देने होते हैं। देखिए, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, हम आपको आपकी कुल मासिक आय का 24 गुना तक ऋण दे सकते हैं। यदि आप हमारे जरूरत के पेपर्स तुरंत दे सकें तो हम 2 दिन में आपको ऋण दे सकते हैं। मुझे कौन कौन से पेपर्स देने होंगे और हर महीने किस्त कितनी होगी? आपको देनी होगी पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप, पैन कार्ड की प्रति, अपना ID प्रूफ, आयकर रिटर्न की 2 साल की प्रति। देखिए, ये रहा हमारा किस्त और ब्याज का चार्ट, अधिकतम 84 किस्तों में आपके ऋण की वसूली हो जाएगी। अच्छा, तो 10 लाख के ऋण पर ब्याज लगेगा बेस रेट पर 0.25% अधिक, यानी 10.5%, यह तो ठीक रहेगा। मैं आपको सारे पेपर्स भी दे सकता हूँ। बस, तो फिर अपनी मनपसंद कार का कोटेशन कंपनी के ऑथराइज डीलर से ले आइए, आपको केवल 15% मार्जिन देना होगा। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए, यदि हमारे यहाँ से हाउसिंग लोन लिया होगा तो कार लोन पर 0.25% ब्याज की छूट भी मिलेगी। आइए आइए रमेश भाई, वाह क्या बात है, नई कार में सवारी करके आ रहे हैं? हाँ, 2 दिन पहले ही खरीदी है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ऑटो टैक्सी के झंझट से मुक्त हुए। और आपके क्या हाल चाल हैं, सब ठीक तो चल रहा है? हाँ, है तो सब ठीक, किंतु इस किराए के मकान में परेशान हो गया हूँ। इच्छा तो बहुत होती है कि तुम्हारी तरह मेरा भी अपना एक घर हो, किंतु खरीदना बहुत मुश्किल है। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, हाउसिंग लोन क्यों नहीं ले लेता बैंक ऑफ बड़ौदा से? यार, ये लोन वगैरह लेना तो मुझे बड़ा झंझट का काम लगता है, पता नहीं कौन कौन से पेपर्स की डिमांड करते हैं और मुझे बार बार चक्कर लगाना पसंद नहीं आता। अब तो बैंक की सभी स्कीमों की जानकारी बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है, और आजकल तो बैंक के मार्केटिंग मैनेजर खुद घर पहुंचकर सारी जानकारी दे देते हैं। तू कहे तो अभी फोन पर बुलवा लेता हूँ। देख लो, आ जाए तो बहुत अच्छा है, शुभ काम में देरी क्यों। आइए सिद्धार्थ, ये है मेरे मित्र जतिन, ये आपके बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं। नमस्कार जतिन जी, आप हमारे यहाँ से होम लोन जरूर ले सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। हम आपको 3 करोड़ रुपए तक लोन दे सकते हैं, बस शर्त है कि आप हमारी पात्रता में आते हों और हमें सभी जरूरी पेपर्स दे सकते हों। तो आप बताएं कि मेरी लोन लेने की पात्रता क्या है, लोन मुझे किन शर्तों पर मिल सकता है? देखिए, 20 लाख तक के लोन के लिए 10%,
20 लाख से ऊपर 75 लाख तक 20% और 75 लाख से ऊपर 25% मार्जिन राशि देनी होती है। ये लोन आप 30 साल में चुकता कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस, क्योंकि दोनों के लिए ऋण की गणना अलग अलग होती है। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ और मेरा वेतन 75,000 रुपए महीने के लगभग है। देखिए, हमारा बैंक आपको 75,000 की कुल मासिक आय का 48 गुना तक ऋण दे सकता है। आपको यह ऋण ज्यादा से ज्यादा 30 साल में चुकता करना होगा। नए घर के निर्माण हेतु अधिकतम 18 महीने का मॉरेटोरियम मिलता है। ऋण राशि पर बैंक की बेस रेट से ब्याज लगाया जाएगा, जो फिलहाल 10.25% है। ये तो ठीक है, पर लोन के लिए कौन कौन से पेपर्स की जरूरत पड़ेगी और लोन कितने दिन में मिल जाएगा? ये लीजिए हमारे पेपर्स की लिस्ट। यदि ये पेपर्स आप हमें एक साथ दे देते हैं तो बैंक आपको 6 दिनों में ऋण की स्वीकृति दे सकता है। क्या पुराने घर के रिपेयर्स के लिए भी लोन मिल सकता है? हम पुराने घर को रिपेयर करने के लिए 10 लाख तक का लोन दे सकते हैं। इस पर ब्याज बेस रेट प्लस 2.5% लगता है। इसकी वसूली ब्याज के साथ 10 सालों में एक समान मासिक किश्तों EMI में करते हैं। इसके अलावा आप और कौन कौन से लोन देते हैं? हम एडिशनल अश्योर्ड एडवांस AAA स्कीम के अंतर्गत अपने होम लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को अतिरिक्त जरूरतों के लिए 2 करोड़ तक लोन भी देते हैं। हम NRI को भी हाउसिंग लोन देते हैं। धन्यवाद, मैं हाउसिंग लोन के सभी पेपर्स 2-3 दिन में ही ब्रांच में दे देता हूँ। जरूर आइए, हम आपका लोन तुरंत ही स्वीकृत करेंगे। आइए राठी जी, गृह प्रवेश में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए, ये है मेरे मित्र राजन, श्याम और सुधीर, और आप हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर श्री राठी। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बैंक ने तो होम लोन देकर जतिन की जिंदगी ही बदल दी। हम तो आप सभी की सेवा के लिए हैं। केवल होम लोन ही नहीं, हम तो शिक्षा ऋण, व्यापारियों को ऋण और संपत्ति के बंधक पर ऋण, डॉक्टर्स को भी अपने पैसे के लिए ऋण देते हैं। तो क्या मुझे अपनी बेटी की इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए लोन मिल सकता है? हाँ जरूर, आइए बैठकर बात करते हैं। देखिए, हमारा बैंक स्कूली शिक्षा के अलावा भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी लोन देता है। राठी जी, मेरी बेटी 11वीं क्लास की परीक्षा देने वाली है और भविष्य में किसी प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती है। देखिए, हम भारत में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तथा विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए ऋण दे सकते हैं। इसमें 4 लाख रुपए तक कोई मार्जिन नहीं लिया जाता है और उससे अधिक राशि पर 5% मार्जिन लगता है। इस लोन पर ब्याज कितना लगेगा? क्या कोई सिक्योरिटी भी देनी होगी? हम रुपए 7.5 लाख के लोन पर प्रचलित बेस रेट, जो फिलहाल 10.25% है, से 2.50% अधिक ब्याज लेते हैं। किंतु छात्राओं को 0.5% ब्याज की छूट मिलती है और 4 लाख से अधिक राशि पर थर्ड पार्टी गारंटी तथा भविष्य की आय को असाइन किया जाता है। लेकिन इस लोन की राशि को हम कैसे और कब चुकाएंगे? आप ऋण राशि 120 किस्तों में चुकता कर सकते हैं। यदि लोन रुपए 7.5 लाख से अधिक हो तो चुकौती अधिकतम 180 किस्तों में भी हो सकती है। आप चाहें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। अरे भाई राठी जी, कुछ मेरी भी तो सुनिए। मेरे कपड़ों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पास बहुत स्टॉक होता है, पर वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से स्टॉक विवरण का ब्यौरा रखना मुश्किल होता है। दुकान और मकान मेरे नाम पर है, इसकी सिक्योरिटी पर ऋण मिल सकता है क्या? हम बड़ौदा ट्रेडर्स लोन स्कीम के तहत आपको व्यवसाय में कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए लोन दे सकते हैं। किंतु यह लोन कितनी राशि तक मिल सकता है और ब्याज वगैरह कितना लगेगा? इस योजना में 25,000 रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक ऋण दे सकते हैं और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखा के ग्राहकों के लिए यह सीमा 3 करोड़ है। इस ऋण पर वर्तमान बेस रेट 10.25% में 3% जोड़कर अर्थात 13.25% ब्याज देना होगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे कितना लोन मिलेगा? आप मार्जिन मनी भी तो लेते होंगे। देखिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हम आपकी अनुमानित बिक्री के 20% या प्रॉपर्टी जो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं कि रियलाइजेबल वैल्यू जो बैंक का पैनल वैल्यूर करेगा का 60% जो भी कम हो तक लोन हम दे सकते हैं। और ऋण की वसूली कितनी किश्तों में होगी? कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी तो होगा?
ऋण की वसूली चुकौती क्षमता के अनुसार अधिकतम 60 समान मासिक किस्तों में की जाती है। अगर आप चाहें तो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट भी स्वीकृत हो सकती है, जो हर साल 12 महीनों बाद रिन्यू होती जाएगी तथा आपके व्यापार की जरूरत के साथ साथ बढ़ भी सकती है। इसके अलावा भी और कोई सुविधा हम जैसे लोगों के लिए है? देखिए, बड़ौदा ट्रेडर्स लोन की सुविधा आप जैसे व्यापारियों के अलावा व्यवसाय करने वाली पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एवं रजिस्टर्ड सहकारी समिति के लिए भी है। इसी के अंतर्गत हमारी गोल्ड कार्ड स्कीम भी है, जो जरूरत के समय अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को पूरा करती है। हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी, आपने हमें बैंक की विविध लोन योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी दी। हम जरूर इसका लाभ उठाएंगे। आप कभी भी ब्रांच में आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।